सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल में आपके लिए ये स्टार वाला डोरमेट लेकर आई हूँ। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, और मैंने इसको दो कलर की ऊन से बनाया हुआ है, और इसमें 10 नंबर की मैंने सिलाई यूज़ की हुई है। और यहाँ पर मैंने इसके 6 बूटियाँ बना, यहाँ पे 6 मैंने इसके पीसेस बनाए हुए हैं, ये वाले जो मैंने बाद में जॉइंट किए हुए हैं। तो फ्रेंड किस तरह से बनाते हैं वो अब मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 फंदे डाल लिए हैं। अब हमको क्या करेंगे, इनको उल्टा ही उल्टा हमको इनको पूरा कंप्लीट करना है। अभी इसमें कोई घटाएँगे बढ़ाएँगे नहीं, इसकी 2 रो हमें इसी तरह से कम्प्लीट करनी है। मेरी 1st रो हो गई, देखिए एक यहाँ से ये मेरी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें 1 फंदा बढ़ाना है। इस तरह से सिलाई आगे की साइड लेंगे, फिर धागा आगे की साइड करेंगे, और एक इधर से लेंगे। ये देखिए मेरे 1 का 2 फंदा हो गया है। इसी तरह से हम इधर की साइड भी बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से सिलाई सीधी साइड लिया, इस तरह से फंदा लिया हमने, इस तरह से सिलाई हमको इस तरह से सीधी साइड लेना है। फंदा लिया हमने, धागा एक साइड किया, और ये एक इधर से एक उधर से मेरे 2 फंदे बनना कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह से हमें हर एक सिलाई पे फंदे बढ़ाने, और हमें 18 फंदे होने तक इसको बढ़ाते रहना है। मैं 18 फंदे बढ़ाकर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पूरे 18 फंदे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 18 फंदे के बाद हम यहाँ पर 1 फंदा और बनाएंगे, और बढ़ाना है, और इनको हाफ हाफ करना है, आधे इस तरफ आधे उस तरफ। इस तरह से हमें इनको हाफ हाफ करना है। देखिए फ्रेंड्स, 9 फंदे मेरे इधर और 9 फंदे मेरे इधर हो चुके हैं। हाफ हाफ मैंने फंदे कर ली, मेरे पास 18 फंदे थे, उनको मैंने हाफ इधर कर लिया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, दूसरे कलर का बुलन लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का बुलन लगाया हुआ है, ये देखिए। एक फंदा हमें दूसरे कलर से बनाना है, और बाकी हम वाइट कलर से ही बनाएंगे। और बाकी सिलाई पूरी इसी तरह से कंप्लीट करनी है। इधर की साइड से भी हम इसी तरह से कंप्लीट करना है। अभी हम एक सिलाई ये बना लेंगे, फिर हम फिर से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। हमें टोटल पूरे 26 फंदे ऊपर, 26 फंदे ऊपर हमें बढ़ाने हैं, एक इधर से एक उधर से करके। इसी तरह से हमें 26 फंदे पूरे कंप्लीट करने हैं। अब ये वाला हमारा दूसरा कलर आ चुका है, इस कलर को हम पीछे की साइड लेंगे, और इसको हम आगे की साइड जिससे हम बना रहे हैं इसको हम आगे की साइड लेंगे इस तरह से। इसको इस तरह से बनाएंगे आगे की साइड से, और बाकी ये धागा हम पीछे की साइड कर देंगे। फिर से हम वाइट कलर का धागा लेंगे, और फिर से हम इस तरह से वाइट कलर से ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने 1 फंदा दूसरे कलर से बनाया है, और पीछे की साइड से हम अब की बार हम 2 फंदे एक इधर से एक उधर से बनाएंगे। इस तरह से हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। इस तरह से हमें पूरा बनाना है।
देखिए अभी हमने एक फंदा लिया हुआ था, अब हम यहाँ से इस वाइट को भी हम पर्पल कलर से ही बना लेंगे इस तरह से। अब हमारे पास ये तीन फंदे हो चुके हैं, फिर से हम वाइट से बनाएंगे। और अब हमें एक फंदा और बढ़ाना है इधर की साइड, ताकि हमारी कली का शेप थोड़ा सा अच्छा आए। देखिए इस तरह से आ चुका है, यहाँ हम एक फंदा और बनाएंगे इस तरह से। बाकी सिलाई को हम इसी तरह से बनाएंगे। ये मेरे पास तीन दूसरे कलर के फंदे हैं, तो हम इसको पीछे एक साइड लेंगे और इसको आगे एक साइड, फिर से हम इसी से बनाएंगे इस तरह से। अभी मेरे यहाँ पे तीन फंदे हुए हैं, पीछे साइड से फिर करेंगे तो हम हमारे यहाँ पे फाइव फंदे हो जाएंगे। इसी तरह से हमें एट फंदे ये दूसरे कलर के हमें बनाने हैं, और ये वाले फंदे हमारे व्हाइट कलर के 26 फंदे पूरे, ये जोड़कर ये भी सारे हमारे पास 26 फंदे होना चाहिए, जब तक हम इसको बना के आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरी ये बूटी कम्प्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मेरे 9 फंदे हैं, यहाँ पर मेरे 9 फंदे हैं, और यहाँ पर मेरे 8 फंदे, तो टोटल मेरे पास 26 फंदे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 1, फिर 2, फिर इस तरह से मैंने 4, यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरे 8 फंदे कंप्लीट किए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बूटी को घटाएंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे बढ़ाया था 1 से 2, उसी तरह से एक इधर से घटाएंगे इसको, और इनको भी धीरे धीरे हम एक इधर से घटाते हुए सेम इस तरह का आकार हमें लेना है। देखिए फ्रेंड्स पहले तो हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से तो हमें सीधी सिलाई बनानी है। अभी एक सिलाई इस तरह से बना के फिर हम इसको घटाना शुरू कर देंगे। ये वाले देखिए एक फंदा हम वाइट कलर से इसका बना लेंगे, बाकी फंदे इसी से। और ये वाला फंदा हम वाइट से ही बनाएंगे, बाकी हम पूरा इसी तरह से वाइट से कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमारा ये दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक फंदा कम कर देंगे, एक इधर से एक उधर से, इसी तरह से अब हमें फंदे कम करना है। और ऊपर इस तरह से कम करते करते हमारा ऊपर सिर्फ एक फंदा बचेगा और हमारी ये बूटी कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड देखिए ये बूटी मेरी बनके कंप्लीट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ से 4 फंदे से इसको स्टार्ट किया हुआ था, फिर मैंने यहाँ पर जाके कुल टोटल 9 10 10 10 रो पे मैंने यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ा हुआ है। 10 रो तक मैंने यहाँ पे 18 फंदे बढ़ा लिए इधर से उधर से। फिर जब हम यहाँ पे हाफ में पहुँचते हैं, जब तक मेरे 26 फंदे पूरे यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको घटाना शुरू करते हैं। जब यहाँ से हम घटाते जाएंगे एक ही हर एक सिलाई पर एक एक फंदा एक इधर से घटाएंगे, तो हमारे यहाँ पर लास्ट में एक फंदा बचेगा। इस तरह से हमारी ये कली कंप्लीट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने 6 पीस बना के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे पूरे 6 पीस कंप्लीट किए हुए हैं। देखिए अब हम इसको जॉइंट करेंगे। किस तरह से हमें जॉइंट करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह हमें सभी पीसों को जॉइंट करना है। देखिए मैंने इस तरह से इसको लगाए हुए हैं, और हम इसको पीछे की साइड से इनको जॉइंट कर लेंगे। आपको जिस तरह का भी शेप देना है आप उस तरह से इसका शेप भी दे सकते हैं। मैं इसको पीछे की साइड से जॉइंट करके आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड जॉइंट करने के लिए मैंने यहाँ पे देख दोनों पीसेस को, मतलब इसको उल्टा किया हुआ है। दोनों पीसेस को हमें सीधे साइड से नहीं बल्कि इसके रॉन्ग साइड से हमको इसकी सिलाई करनी है, और इस तरह से हमें इसको जॉइंट करना है। और यहाँ से हम ये हमारा वाइट कलर का, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर का ही बुलन यूज़ किया हुआ है। इस तरह से हमें इसकी
सिलाई करना है। फ्रेंड्स दो पत्तियाँ मेरी जॉइंट हो चुकी हैं इस तरह से, बाकी पत्तियाँ भी हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे। हमें इसको याद, आपको याद रखना, हमें इसको उल्टी साइड से ही इसको जॉइंट करना है, सीधी साइड से हम इसको जॉइंट नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है सिल के। मैंने इस तरह से इसको चारों तरफ से पीछे से इस तरह से सिलाई कर ली है इसकी। अब हम क्या करेंगे, इस साइड में से फंदे भरेंगे। यहाँ से हमें साइड से हमें फंदे भरना है। देखिए फ्रेंड्स फंदे हम कुछ इस तरह से उठाएंगे। देखिए इस तरह से हमें फंदे इसकी साइड से भरना है। इसी तरह से हमें पूरे फंदे यहाँ से, देखिए इसकी साइड से हमें पूरे फंदे भरना है। देखिए फ्रेंड्स 16 फंदे इधर से, 16 फंदे इधर से, मैंने दोनों साइड से 16 16 16 16 फंदे मैंने यहाँ से भरे हुए हैं, और एक फंदा ये बीच का लिया हुआ है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे 33 फंदे हैं। अब हम इसको बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यहाँ से एक रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ से दूसरी रो बनाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें यहाँ तक पूरा इसी तरह से उल्टा ही उल्टा बनाना है। सिक्सटीन फंदे इधर और 16 फंदे मैंने उधर फंदे रखे थे। देखिए ये मेरा बीच का फंदा आ चुका है, एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से। ये देखिए इस तरह से हम दोनों फंदे लेंगे और ये धागा पीछे की साइड करेंगे, और इन तीनों फंदों को लेके इस तरह से एक फंदा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह फिर से धागा आगे साइड लेंगे, बाकी हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। पीछे की साइड से हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सीधी रो लेके ही ऐसे ही बनानी है। जब आगे की साइड आएंगे तो हाफ हाफ फंदा करके बीच का फंदा और एक फंदा इधर का एक फंदा उधर का मिला के तीन फंदे हमें तीन का एक कर देना, तीन फंदे हमें कम कर देने, मतलब तीन का एक कर देना। पीछे की रो हम इसी तरह से प्लेन बनाएंगे, कुछ नहीं करना हमें। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं आगे एक साइड फिर से आ गई हूँ। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक फंदा तो हम ये वाला ले लेंगे बीच का, एक फंदा इधर का और एक फंदा इधर का, धागा पीछे एक साइड करेंगे, और ये तीन फंदे हैं जो हमारे पास इस तरह के, देखिए, और उनको हम यहाँ पे तीन का एक कर देंगे। सारी सिलाई पर हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। पीछे की साइड से हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आगे की साइड से ही हमें तीन फंदे का एक फंदा करना है, और इसी तरह से सारे फंदे कम होते जाएंगे और लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा और एक कली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैं यहाँ से दूसरा कलर ज्वाइंट करूँगी, इसकी दो रो बनाने के बाद मैं यहाँ से दूसरा कलर ज्वाइंट करूँगी पीछे से। दोनों कलर की मुझे दो दो रो बनानी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरी ये टू रो कम्प्लीट हो चुकी हैं। मैं यहाँ से पीछे से दूसरा कलर ज्वाइंट करूँगी, इसी तरह से हम सारी कलियाँ कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो रो मैंने यहाँ बैगनी कलर की बना ली हैं, दो वाइट की, दो बैगनी की, फिर दो वाइट की बनाना है हमें। इस तरह से पहला फंदा हमें साइड का उतारना है ताकि हमारी ये बगल की लाइन एकदम अच्छी आए। पूरी सिलाई हमें इस तरह से उल्टी बनाना है, सिर्फ हमें बीच में फंदे का ध्यान रखना है, बीच वाला फंदा हमें किस तरह से कम करना है।
बस उसका ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बीच वाला फंदा है, एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे, धागा पीछे की साइड करेंगे और देख इस तरह से हम ये तीन फंदे का एक फंदा बना देंगे इस तरह से। फिर धागा आगे की साइड लेंगे और जैसा हम बना रहे थे उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। पीछे की साइड हमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, पूरी सिलाई हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। एक फंदा उतारने से हमारी ये वाली जो चेन है वो हमारी पूरी कंप्लीट इस तरह से आती जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे दो रो वाइट की और दो रो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की बनाई हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, बाकी का पूरा हिस्सा जो हमारे जब तक एक फंदा लास्ट ना हो जाए हमें इसी कलर का बनाना है, कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें पूरे एक कलर से बनाना है, फिर हमारी ये कली बन के इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से हम सारी कलियाँ कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा ये स्टार वाला डोरमेट बन के कम्प्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट भी करें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो